हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स एंड उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात, आज के दिन का अगर इंपॉर्टेंट कोई बात है तो हम लोगों को शुरुआत तो करनी पड़ेगी बीएससी सेंसेक्स एंड अगर हम लोग बात करें दूसरे इंडेक्स निफ्टी से रिलेटेड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1% की गिरावट हम लोगों को सेंसेक्स में देखने को मिली। 300 पॉइंट्स डाउन था, 30,379 की क्लोजिंग देखने को मिली है। बट जैसे आप सभी लोग पता है कि अगर हम लोग हाई से अगर ये गिरावट कैलकुलेट करें तो लगभग आज भी सेंसेक्स हम लोग को 1200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे ऊपरी तरफ से नीचे जाते हुए देखने को ज़रूर मिला है। सो सेंसेक्स में आज भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। लगभग हम लोग बात करें परसेंटेज वाइज तो 0.76%, नंबर्स की बात करें तो 68 पॉइंट्स तक की गिरावट, 9000 के नीचे क्लोजिंग हम लोगों को निफ्टी में भी देखने को ज़रूर मिली है। तो चलिए, ये हो गई बेसिक बात। अभी हम लोग आ जाते हैं इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर। एंड सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हो टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी में आज हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास की गिरावट, 939 तक अभी ये स्टॉक आ चुका है। स्टॉक बिल्कुल ख़राब नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। बट उसी के साथ साथ अगर टाइटन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही एक मेजर न्यूज़ सामने आई है एंड वो है राकेश झुनझुनवाला। आप सभी लोगों को पता है कि राकेश झुनझुनवाला जी की पहचान ही राकेश झुनझुनवाला इसीलिए क्योंकि उन्होंने टाइटन का शेयर 3 रुपये में खरीदा था। सो ये बहुत ही पॉपुलर केस स्टडी आप सभी लोगों को पता है। एंड राकेश झुनझुनवाला सर ने ही अगर हम लोग बात करें तो उन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग वाइफ रेखा मतलब अगर हम लोग दोनों की बात करें, राकेश झुनझुनवाला वो निवेश करते हैं, उनके वाइफ के नाम से भी करते हैं। सो, अगर हम लोग बात कर रहे थे फाइनल, तो झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे लगभग 1 करोड़ तक के टाइटन के शेयर यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में सेल कर दिए। आप सभी लोगों को पता है कि जो भी डेटा सामने आता है, बड़े निवेशक सेल करते हैं, वो हमेशा क्वार्टरली वाइज यहाँ पे सामने आ जाता है। एंड यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें, 1 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पे उन्होंने बेचे। अगर एग्जैक्टली डेटा अगर आपको देखना है तो उन्होंने सेल किए हैं 1.03, यस दोस्तों, 1 करोड़ 3 लाख हम लोग कह सकते शेयर्स उन्होंने टाइटन में से यहाँ पे इतने सारे शेयर्स में उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। तो उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल आता है, तो उन्होंने सेल किए तो यहाँ पे किसी ने ये शेयर्स खरीदे? तो यस दोस्तों, दो बड़े दिग्गज ने यहाँ पे शेयर खरीदे एंड उन दिग्गज में नाम है सबसे पहले म्यूचुअल फंड एंड उसके बाद LIC। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड एंड LIC ने यहाँ पे टाइटन में ज़बरदस्त हिस्सेदारी खरीदी है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे अपनी जो टाइटन की हिस्सेदारी है यहाँ पे कम कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि टाइटन के शेयर उन्होंने इससे पहले नहीं निकाले थे, बहुत समय पहले भी उन्होंने अपने टाइटन के शेयर निकाले थे। उसके बाद टाइटन लगभग 300 पॉइंट भागा था, मुझे आज भी याद है। उसके बाद मतलब राकेश झुनझुनवाला सर ने अपनी हिस्सेदारी कम करने के बाद बहुत सारे रिटेल निवेशक एग्जिट हो चुके थे एंड उसके बाद वो शेयर 1200 के ऊपर चला गया था, 300 पॉइंट भागा था। सो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि राकेश झुनझुनवाला सर ने एग्जिट कर लिया मतलब मार्केट खत्म हो गया टाइटन का, ऐसी कभी भी बात नहीं होती। उसके बाद टाइटन अच्छा भी परफॉर्मेंस दिया था एंड उन्होंने खुद वापस अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। सो हर एक किसी की अपनी अपनी एनालिसिस होती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं गोल्ड के प्राइजेस में होने वाली बढ़ोतरी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो टाइटन से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। उसी के साथ साथ आज के दिन की सबसे बड़ी अगर सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो है सेबी के ओर से। सेबी ने FIIs जो फॉरेन निवेशक होते हैं FIIs एंड FPIs से UBO की डिटेल मांगी है। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये UBO मतलब क्या होता है? सो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर, मतलब हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को पता है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनका खुद का पैसा कभी भी नहीं होता है। वो किधर से ना किधर से उनके पीछे कोई किसी की बैकिंग होती है, उनका पैसा होता है एंड वो जाके पैसा लगाते हैं। सो सेबी यही चाहती है UBO मतलब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर मतलब फ़ायदा अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होने वाला है उसका नाम यहाँ पे सेबी फाइंड आउट करना चाहती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है HDFC में 1% से ज़्यादा स्टेक, जैसे चाइना की जो बैंक से रिलेटेड हम लोगों को डिटेल सामने आ चुकी थी पब्लिक बैंक से रिलेटेड, उसके बाद सेबी यहां पे और भी सतर्क हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यही है कि सेबी अभी कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी सेबी ने की है। बट यस, फिलहाल की सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि फॉरेन कि अगर कोई भी पैसा अगर इंडियन मार्केट में आ रहा है एंड वो भी HDFC जैसी बड़ी कंपनी में, सो सेबी ने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कितना अमाउंट यहाँ पे इंडिया में आ रहा है एंड कौन निवेश कर रहा है
एंड निवेश भी करने वाले के पीछे का जो एक्चुअल पैसा किसका है वो फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पे सेबी फिलहाल कर रही है। सो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी जो कि हम लोगों ने आज यहाँ पे देख ली है। उसी के साथ साथ फॉरेन निवेशक की अगर हम लोग बात करें तो आज आप सभी लोगों को पता है फॉरेन निवेशकों ने आज भी हमारे इंडियन मार्केट में दबा के माल उठाया हुआ है। सो बीच में कंसिस्टेंटली 3 दिन उन्होंने माल निकाल दिया था, उसके बाद वापस फॉरेन निवेशकों ने कंसिस्टेंटली माल खरीदा था। बाद में वापस अगर हम लोग पिछले दिन की बात करें मतलब 13 तारीख की, तभी भी फॉरेन निवेशकों ने माल विड्रॉ किया था, 14 को छुट्टी थी एंड 15 को आज वापस फॉरेन निवेशकों ने इंडियन मार्केट में नेट बाइंग की हुई है। बट अपोजिट की अगर हम लोग बात करें डीआईएस ने माल बेचा हुआ है। अभी आ जाते थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वो है मारुति सुजुकी के ऊपर। मारुति सुजुकी के जो बड़े ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि हम लोग किसी को भी फिलहाल तो काम में से नहीं निकालेंगे, फिलहाल की सिचुएशन हम लोगों को समझ में आ रही है। उसी के साथ साथ उनको कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि कार की जो डिमांड है वो क्या मार्केट में घटेगी, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मारुति के जो सुपीरियर ऑफिसर है उनका ये कहना है कि मारुति के शेयर्स एंड उनके प्राइस की डिमांड और भी बढ़ेगी, शेयर्स की डिमांड और बढ़ेगी, कार की डिमांड भी और बढ़ेगी। सो ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पता है कोरोना वायरस के बाद हर कोई अपनी अपनी गाड़ी से ही जाना सिक्योर्ड महफूज कर सकता है एंड इसीलिए मारुति की कार ज़्यादा बिक जा सकती है, ऐसा लॉजिक उन्होंने इसके पीछे बताया हुआ है। सो ये लॉजिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर हम लोग बात करें सिटीज़ की, ओला उबर या फिर टैक्सीज जो प्राइवेट टैक्सीज रहती है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आफ्टर दिस कोरोना इशू से रिलेटेड जो पेंडेमिक अभी हम लोगों ने देखा है, इंडिया को इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा एंड इसीलिए खुद की सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में ही घूमना पसंद करेंगे एंड इसीलिए मारुति के जो डिमांड है कार की वो यहाँ पे वापस मार्केट में रीगेन हो सकती है एंड अल्टीमेटली शेयर भी ऊपर जा सकता है, ऐसा मारुति के बड़े ऑफिसर ने यहाँ पे बता दिया है। सो ये कितना सच होगा कितना नहीं ये तो अल्टीमेटली मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, बट न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो कि है IRCTC से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है IRCTC लगभग 39 लाख बुकिंग या फिर टिकट्स IRCTC ने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। IRCTC से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई है कि यहाँ पे फिलहाल कोई भी 15 तारीख से जो ट्रेन दौड़ने वाली थी यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे फिलहाल स्थगित कर दिया है, वो जो ट्रेन भगाने वाले थे वो कैंसिल कर दिया एंड फाइनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 5% के अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास IRCTC यहाँ पे लोअर सर्किट लगाते हुए वापस आप लोगों ने देखने को मिल सकता था। लोअर सर्किट इन द सेंस ऑफ और भी गिरावट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती थी। सो फिलहाल अभी हम लोग देख सकते हैं वापस ट्रेन से रिलेटेड जो न्यूज़ सामने आई थी कि वापस 15 से बुकिंग उन्होंने स्टार्ट किया था वो तो अभी हम लोगों को मई तक तो देखने को नहीं मिलने वाला है एंड इसी से रिलेटेड जैसे मैंने कहा लगभग 39 लाख 40 लाख के आसपास की बुकिंग कैंसिल कर दी गई एंड जितना भी रिफंड रहेगा वो तो उनको ज़रूर मिलने वाला है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। उसी के साथ साथ अभी नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को बहुत ही सुबह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, इनफैक्ट पूरे बाजार गिरा इसलिए हम लोगों को यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिला था। सो हिंडाल्को से रिलेटेड अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिंडाल्को की जो डील थी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $2.8 बिलियन एंड ये डील किससे रिलेटेड थी? टू एक्वायर, यस दोस्तों, टू एक्वायर द एलरीज। सो एलरीज को एक्वायर करने से रिलेटेड ये जो डील थी फाइनली यहाँ पे क्लोज हुई है एंड वो कोई छोटी मोटी डील नहीं है, $2.8 बिलियन की है। कुमार मंगरम बिरला जी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस डील को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश है एंड आगे भी अगर उन्होंने ये चीज़ें कही है कि इसका फ़ायदा उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट जो मेरा स्टेटमेंट है हिंडाल्को से रिलेटेड, मतलब आप सभी लोग पता है मैंने हमेशा आप लोगों को हिंडाल्को अवॉइड करने के लिए कहा है एंड आज भी मैं इसको अवॉइड करने को कहूँगा। आप इसके Q3 के भी रिजल्ट देख सकते हो, अच्छे खासे नहीं थे। इनफैक्ट अगर शेयर की बात करें पिछले एक साल में 40 से 45% तक का नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। सो लार्ज कैप से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ी कंपनी है, बट स्टिल अभी तक मैं इसमें इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि इसमें मैं लॉन्ग टर्म के निवेश करने के लिए सोचूं। सो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे कवर करके बता दी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। सो डीमार्ट में हम लोगों को लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, 50% उनके स्टोर्स में होने वाला लॉकडाउन, उसी के साथ साथ जो 50% बाकी के भी चल रहे उनमें भी वो बाकी की चीज़ें नहीं बेच सकते, सिर्फ वो जिसने ग्रोसरी रहेगी, जितने हम लोग कह सकते हैं फूड से रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें रहेंगी उतना ही वो सेल करेंगे। सो अल्टीमेटली उनका रेवेन्यू अफेक्ट होने ही वाला है। सो उसी से चलते हम लोगों को डीमार्ट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वापस आपके पास आ चुकी है, अगर आप चाहो तो डीमार्ट को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं 2100 पे ऊपर, 2000 के ऊपर, 1900 के ऊपर
1800 के ऊपर, अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो एवरेज प्राइस आपका अच्छा आएगा। एंड वापस जैसे ये डिमांड 2300 2400 पे आ जाएगा, आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है। एंड अल्टीमेटली अगर शेयर बहुत क्रैश भी हो जाता है, सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी उसको लंबी अवधि तक रखोगे तो एज सच भी नुकसान आप लोगों को नहीं होने वाला है। सो डबल फायदा आपको यहाँ पे डिमांड में देखने को मिल सकता है। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। TCS, यस बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है IT सेक्टर की, आप सभी लोगों को पता है, इंडिया की रैंक वन कंपनी। स्टॉक मार्केट की बात करें तो रैंक टू कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड TCS अपने यहाँ पे क्वार्टर फोर के नतीजे कल यहाँ पे 16 अप्रैल को पेश करने जा रही है। TCS के नतीजा हमेशा मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि TCS एक ऐसा शेयर है जो कि 100 पॉइंट्स की रैली भी दिखाने की पूरी क्षमता रखते हैं अपने रिजल्ट से बेसिस के ऊपर। ऐसा ही उन्होंने इसलिए पहले भी किया हुआ है, या फिर उसी के साथ साथ TCS और क्या क्या अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस कर सकता है भी, यानी ये भी हम लोगों को चीजें चेकआउट जरूर करनी है। बट TCS के ऊपर कल के दिन बहुत ही जबरदस्त फोकस रहने वाला है, इसकी तो बात आप लोगों को पक्का मान लेनी चाहिए। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो डॉलर टू INR रेशो, इसके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। वापस हमारा जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब डॉलर वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। टेम्पररी क्यों ना हो, हम लोग यहाँ पे देख सकते 76.64 पे अभी फिलहाल डॉलर यहाँ पे आ चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग डो जोन्स को यहाँ पे देख लेते हैं आज के दिन का अभी का परफॉर्मेंस, तो फिलहाल डो जोन्स आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग 600 से लेके 700 पॉइंट्स की गिरावट हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। और आप सभी लोगों को पता है डो जोन्स में होने वाली गिरावट एक हमारे मार्केट में भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है। सो लगभग यहाँ पे 2.5% से भी ऊपर की गिरावट डो जोन्स इंडस्ट्रियल में देखने को मिल रही है। ये फिलहाल की स्थिति है 8:40, कंप्लीटली सिचुएशन चेंज हो सकते हैं वीडियो अपलोड करते वक्त भी, या फिर अगर आप सुबह उठ के देखते हो तो भी। सो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाते तो SBI कार्ड, यस दोस्तों SBI कार्ड का फिलहाल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। आज के दिन हम लोगों को नो चेंज देखने को मिला, जितने भी ओपनिंग थी उसी पे क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। SBI कार्ड से रिलेटेड अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा की अगर हम लोग बात करें, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर लगभग 4.5 लाख के आसपास हम लोग, या फिर फिगर एग्जैक्टली बात करें 4,20,000 रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे SBI कार्ड से एग्जिट हो चुके जस्ट 15 दिन में। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग अपोजिट में देखें तो फॉरेन निवेशक एंड म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी SBI कार्ड में बढ़ा दी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रिटेल निवेशक, हम लोग ये भी मान सकते हैं IPO के समय से बहुत सारे लोगों को ये शेयर अलॉट हो चुका होगा। 700 के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसिंग देख ली थी, एंड उसके बाद 500 तक आ जाना, सो ऐसे बेरिश मार्केट में एक प्रेशर बनना बहुत ही स्वाभाविक बात है। बट उसी के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख सकते हैं कि फॉरेन निवेशक एंड म्यूचुअल फंड जैसे बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर निवेशक अपने हिस्सेदारी SBI कार्ड में बढ़ा रहे हैं। क्या फिलहाल यहाँ पे SBI कार्ड बाय करना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूँ अभी आप लोगों ने वेट करना चाहिए, चाहे वो 50 रुपये 100 रुपये आप लोगों का महंगा क्यों ना मिले, बट आपकी सिचुएशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा लगाने के बाद आपको डाउट होना चाहिए अरे कल मार्केट गिरेगा तो मेरा शेयर गिरेगा या नहीं। सो ऐसी सिचुएशन फिलहाल तो चल रही, इसलिए मैंने आपको कहा कि कंपनी खराब नहीं, कंपनी के रिजल्ट भी बहुत शानदार थे। तो यही कहना चाहूँगा कि SBI कार्ड में अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी तो फिलहाल अभी आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। IPO में भी मैंने आपको कहा था उसका PE इतना हाई था कि आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए था, बट एनीवेज अगर कर भी दिया होगा तो अभी आप लोगों ने वेट ही करना चाहिए, वही चीज़ अभी आपके हाथ में बची हुई है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट डेटा देखें कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन हो चुके कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। बट आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक उतना स्पाइक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें US या फिर अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो फिलहाल हम लोग मान सकते हैं कि अगर ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन आगे बढ़ती रही तो यस ये कोरोना वायरस का जो ग्राफ है नीचे आ सकता है। आखिरी शेयर है विप्रो, विप्रो के क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं जिससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो क्वार्टर फोर के रिजल्ट विप्रो के दिखा रहे, सो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।